इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। आज देखिए मंदिर का 40वां स्थापना दिवस है और सुबह जो 7:55 तक का मुहूर्त था सुबह घट स्थापना हुई है। घट स्थापना के बाद अब निश्चित समय पर ही आरती हुआ करेगी 7 बजे शाम को और सुबह 9 बजे। आज का ही मुहूर्त था, घट स्थापना आपके सामने हो गई है। मंदिर में सब लोगों का आना शुरू हो गया है। मंदिर में जो दर्शनार्थी हैं उनकी जो संख्या है, क्योंकि ये शारदीय नवरात्रे हैं, शारदीय नवरात्रों की बहुत मान्यता है और इसके साथ इसके अनुरूप ही जो है मंदिर की व्यवस्थाओं को भी हमने उसी हिसाब से करा है। मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा और सुबह पोशाक पे सुबह जो है बदलते हैं, ज्योत रहेगी। इसके अलावा मंदिर में महिलाओं की अलग व्यवस्था रहे और मंदिर में पुरुषों की अलग व्यवस्था रहेगी। उसके बाद अष्टमी पर भंडारा होगा, अष्टमी का ही जागरण है और नवमी अष्टमी एक हो जाने से जो उस दिन नवमी का सुबह कन्या पूजन होगा और फिर 10 बजे 11 बजे से दशहरा शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है दशहरे के जो कार्यक्रम है विसर्जन के वो कार्यक्रम होंगे और मंदिर के प्रांगण में जो मतलब अष्टमी का बहुत बड़ा एक जागरण हमने किया है तो वो जागरण होगा। उसके बाद जो व्यवस्थाओं को रोज की जो व्यवस्थाएं वो नियमित रूप से होती रहेगी। स्थापना दिवस भी है, आज शाम को क्या रहने वाला है? आज शाम को झांकियों का, सिरसा हरियाणा से झांकियों का और दिल्ली से आए हुए हैं, झांकियों का बड़ा भारी जो आज बहुत बड़ा भव्य प्रदर्शन है। उसके बाद झांकियों में उसके पश्चात महाआरती सुबह शाम को महाआरती है पुष्कर के पंडों द्वारा और उसके बाद ही झांकियाँ हैं। उसमें आज देवनानी जी का जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनका नागरिक अभिनंदन है और जो जिला प्रशासन से जो भी आ जाएं उनका है। 7 बजे बाद वो कार्यक्रम। जय माता की। आज माता जी का स्थापना दिवस है और मुझे इस बात का गौरव है क्योंकि आज ही के दिन जब 3 अक्टूबर था उस समय आज के दिन अष्टमी थी और अष्टमी के दिन सायं 7:30 बजे माता जी की स्थापना कर रही थी और कप्तान दुर्गा प्रसाद जी चौधरी के हाथों हुई हुई है और उस समय संस्थापक अध्यक्ष मैं था और उसके बाद हमारे भाई साहब का पूरा सहयोग रहा। हमें दिन पे दिन हम चलते रहे, ये हमारे संरक्षक थे। अब महाराज भाई साहब भी हमारे संरक्षक अध्यक्ष यही हैं और हम माँ की सेवा में सब कार्य करते आ रहे हैं। भाई मुझे तो ये गौरव ही है कि जिसको हमने रखा और आज माँ की कृपा से भव्य रूप धारण कर लिया। जय माता की।